blogger.com के लिए प्रीमियम थीम को क्रैक वर्जन में डाउनलोड करना और स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करने का तमाम तर प्रोसीजर इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं। और बाय यूजिंग दिस थीम यू कैन गेट योर एडसेंस अप्रूवल विद इन 110% श्योरिटी के साथ आप लोग अपना एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीमियम थीम को क्रैक वर्जन में डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बारे में, और फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को 6 प्रीमियम थीम्स बताए थे जिनको यूटिलाइज करके आप लोग एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स। और आप लोगों के लिए मैंने डाउनलोड करने का जो क्रैक वर्जन में डाउनलोड करने का इजी तरीन मेथड था वो भी उसमें बताया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। प्रोसीजर बहुत ही आसान है, आप लोगों ने सिर्फ अपने ब्लॉगर साइट को लॉगिन करके लिख लेना है जो कि मैंने की हुई है लॉगिन। इसके आप लोगों ने थीम सेक्शन पर चले जाना है। यहाँ पर कुछ आपको डिफॉल्ट थीम दिए होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको एडसेंस अप्रूवल 110% नहीं मिलता। जस्ट गो डाउन इनटू द डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोगों ने उस लिंक के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे डाउनलोड पे और ये फाइल आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही डाउनलोड होगा हम इसको शो इन फोल्डर पर क्लिक कर देंगे और वो हमारे पास जहाँ पर डाउनलोड होगा उसकी हमें लोकेशन मिल जाएगी। सिंपल इसको हम लोग पहले कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पर ले जाते हैं। मैं कंट्रोल प्लस सी करूंगी और डेस्कटॉप पे आके इसको कंट्रोल प्लस वी से कॉपी कर देंगे और ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल आ जाएगा। इसको सिंपल हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह की फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ये आपके पास है, और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे इसके टेम्पलेट के अंदर। टेम्पलेट के अंदर आप लोगों को सिर्फ चाहिए ये सुपर एक्सएमएल की फाइल, यहाँ से डबल क्लिक करके हमने इसको ओपन कर लेना है। वर्ड पैड पे ओपन करेंगे तो ये जो कोडिंग हमारे पास आ जाती है इस कोडिंग को हमने कॉपी करके अपने थीम के ऊपर पेस्ट करना है। तो मैं अपने blogger.com पर आ जाती हूँ और यहाँ पर हमने इस बटन पे क्लिक करना है और एडिट HTML के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने कंट्रोल प्लस ए करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है ऑल को बाय कंट्रोल प्लस ए से। हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस करना है ताकि ये सारा कुछ खत्म हो जाए जो प्रीवियस इसकी सेटिंग थी। और इसके बाद हमने आना है अपने वर्ड पैड पे जो हमने खोला हुआ है अपना थीम, इसको कंट्रोल प्लस ए से हमने सेलेक्ट करना है। इस होल को हम लोग कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करेंगे और फिर आएंगे ब्लॉगर साइट पे और यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी से हम कर देंगे इसको पेस्ट। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा सेव का ऑप्शन और इस पर सिंपल प्रेस कर देंगे। कुछ देर प्रोसेसिंग होगी और हमारा जो अपडेट हो जाएगा, हमारा थीम अपडेट हुआ या नहीं इसको चेक करने के लिए हमने नीचे आना है और व्यू ब्लॉग के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन कर लेना न्यू साइट के ऊपर। और जैसे ही हम इसको देखेंगे और ये हमारे पास सुपर मैक का पूरा थीम कस्टमाइज हो गया। ये मैंने अपनी एक अभी पोस्ट की है जो नजर आ रही है और कुछ यहाँ पर सोशल अकाउंट्स है, ये हमारे पास होम टैब है। तो ये तरीका का था जिसको हम यूज करते हुए कोई भी थीम अपनी ब्लॉगर साइट पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर इस थीम के अलावा जो बाकी 5 थीम है जो प्रीमियम थीम मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं उनके बारे में देखना है और अपनी पसंद के मुताबिक कोई और थीम डाउनलोड करना है तो सिंपल आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस थीम की जो मैंने सुपर मैक थीम इंस्टॉल किया इसकी पूरी कस्टमाइजेशन देखनी है तो आप लोग सिंपल इस गोल्ड बटन पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।